कुमार इस वक्त शायद बीजेपी से अलग अलग थलग होते नजर आ रहे हैं, और क्या वो बीजेपी को आने वाले वक्त में बड़ा झटका दे सकते हैं? जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ मृत्युंजय चौहान और आप इस वक्त हमारे साथ देख रहे हैं SP9 न्यूज। हमें बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार JDU दफ्तर जाते हैं और वहां पर वो एक बड़ी बैठक लेते हैं, उस बैठक में वो क्या कुछ कहते हैं चलिए वो भी आपको बता देते हैं। उस बैठक में ऐसा देखा गया कि कहीं ना कहीं राज्यसभा में जहां पर इस वक्त 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं बिहार में, उसको लेकर के बड़ी बातें वहां पर कही गई। इसी के साथ साथ ये भी देखा गया कि इसका सीधे तौर पर असर देखा जा सकता है आने वाले राष्ट्रपति चुनावों पर। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त बीजेपी से अलग हटकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक नई रणनीति तैयार करने में लगे हुए हैं। और जैसा देखा जा रहा है कि आने वाले वक्त में जब जहां पर राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं वहां उत्तर प्रदेश में भी कई सीटें हैं, वहां पर ऐसा देखा जा रहा है कि बिहार में भी कई सीटें हैं, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और बिहार और जिस तरह से अलग अलग सीटों पर चुनाव होने हैं बीजेपी को बड़ा झटका दे सकते हैं नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार कुछ वक्त पहले अपनी थोड़ी बहुत नाराजगी थोड़ी बहुत दूरियां बढ़ा चुके हैं बीजेपी से, और बीजेपी ने जिस तरह से इस वक्त बीजेपी जिस तरह इस वक्त सबसे बड़े दल के रूप में बिहार में मौजूद है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी ये डर है कि बीजेपी उन्हें बदल सकती है रिप्लेस कर सकती है। तो क्या वाकई में नीतीश कुमार अब अलग प्लान खेलने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ? और जिस तरह से हालांकि ऐसा देखा गया कि राष्ट्रपति के नाम के कैंडिडेट को लेकर कोई मोहर अभी तक नहीं लगाई गई है, लेकिन आने वाले वक्त में क्या वाकई में नीतीश कुमार बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं बीजेपी के लिए? आपका इसके बारे में क्या सोचना है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SP9 न्यूज़।